फतेह। मौत कई तरह की होंगी, एक किस्म की मौत नहीं होंगी। शरीरक मौत नंबर एक दे उते, शरीर ते अज गुरु नानक पातशाह महाराज जी का, साहिब गुरु अर्जन पातशाह जी का, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का भी साढ़े कोल नहीं है। जिन्हां भगत जनां दी कबीर साहब, फरीद साहब, रविदास साहब, इन्हां भगतां दे शरीर भी बाकी भगत साहिबानां दे, गुरु साहिबानां दे, पट साहिबानां दे शरीर साढ़े कोल नहीं है, पर उन्हां दे ख्यालात, उन्हां दी सोच, उन्हां दा सुभाव, उन्हां दीआं उचारियां होईआं बाणियां उह अज साढ़े कोल जरूर ने। प्रकिरति दा नियम है, काल जिसनूं बणाउंदा है, चलदे होए काल दे चक्कर दे अंदर उहनूं मिटणा वी पैंदा है। काल एक पास्यों बनाई जांदा है, काल दूजे पास्यों खाई जांदा है। एक पास्यों बच्चे जन्म ले जांदे ने, दूजे पास्यों घर दे अंदर बजुर्ग जिहड़े हुंदे ने उह जाई जा रहे ने। खैर, यह है काल का चलता होया चक्कर। शरीर मिलिया है, शरीर का बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, मौत भी आनी आनी है। प्रकृति का अटल नियम है, इनू कहिंदे ने शरीरक मौत। इनू इस तरह भी कह लीए भी सूरज का उदय होना, इस तरह कह लो भी उदों सूरज की जिहड़ी जिंदगी है ना, उदों चार पैर बराबर है। वैसे जिहड़े पैर ने उन्हां दी वक्री वीडियो बनावांगे। इस तरह कह लो भी दिन की पूरी जिंदगी, फिर सहजे सहजे तुसीं कहिंदे हो दिन एक पैर चला गया, हुण दो पैर चला गया, हुण तीन पैर चला गया, तो फिर अखीरी दिन की मौत हो जाती है, दिन चला जाता है। शरीर भी इस तरह ही है, बालपन आउंदा है, जवानी आउंदी, फिर इहनूं रुखसत होना ही पैंदा है। दिन ते सरपर पौसी रात, रहन गई फिर होए प्रभात, ये गुरु अर्जन साहब जी का बचन है। या इस तरह कह लो दिन ते पैर, पैर ते घरियां, आव कटे तन छिजे, दिन दिन तो पैर, पैर तो घड़ियाँ, हौली हौली उम्र घटती जाना पैंदा है। ये शरीरक जिहड़ी मौत है, इस तरह की मौत है। दूजी मौत उन्नू कहिंदे ने आर्थिक मौत। आर्थिक मौत ये भी किसी कोल धन का ना होना, या हुंदा होया धन भी उहदे कोलों चला जाए, उन्नू घाटा पै जाए, नुकसान होवे, जेब खाली हो जाए। धन दे आसरे ते बहुत सारियां लोड़ां खड़ियां ने, बहुत सारे बारी शौक खड़े ने। उह जिहड़ियां लोड़ां पूरियां ना होण, उह शौक पूरे ना होण, मकान चाहीदा है, कपड़ा चाहीदा है, जुत्ती चाहीदी है, दो वक्त दा भोजन चाहीदा है, ये सब कुछ किवें मिलेगा धन करके। ते जे धन ही कोल नहीं है, ते बहुत सारे लोकां कोल मकान नहीं है, जुत्ती नहीं है, कपड़ा नहीं है, रजवां पेट भरवां भोजन नहीं है, इनू आपां कह सकने आ आर्थिक तंगी, आर्थिक मौत, क्योंकि इहदे कोल कुछ भी नहीं है। नंबर तीन दे उत्ते आउंदी है समाजिक मौत। समाजिक मौत मतलब समाजिक प्राणी आ, समाज के अंदर रहना है, और सिर उच्चा करके जे ना चलिया जाए, कोई मत्थे ते दाग लग जाए, उन्हू कह देने इहदी समाजिक मौत हो गई है। चल ते रहा सी, पर जीवन के अंदर कोई ना कोई दाग लग गया, इस करके समाज के अंदर इहदा रुतबा घट गया, इहदी इज्जत घट गई है। हुण इहनूं पुछदा दसदा कोई नहीं, हुण ना परिवार के अंदर रुतबा, ना समाज के अंदर इज्जत, हुण चल तो रहा है पर इस तरह ही चल रहा है जिवें कोई मुरदा होवे। रिश्तेदारां दे अंदर, परिवार के अंदर सज्जे खब्बे की पुछ पड़ताल घट गई है, लाचारगी इहदे पल्ले है, बेबसी इहदे पल्ले है, इहनूं कह दिंदे आ समाजिक मौत। हुण इक हुंदी है राजनीतिक मौत। बहुत सारे लोगों नूं एक राजनीतिक बंदा पछाड़ के एक सीट के उत्ते बैठा सी, बहुत सारे लोगों नूं पछाड़ के पिछे हटा के बनिया सी। ये हर वक्त डर बनिया रहिंदा है भी मेरी बनी हुई इज्जत या बनी हुई चेयर, मेरी सीट चली ना जाए। अगर राजनीतिक अहुदा इहदे कोलों चला गया, तो अगले दिन वेखो राजनीतिक गलियां दे अंदर इस तरह फिरदा हुंदा है जिवें गऊशाला दी गऊ घूमदी होवे। कोई रुतबा नहीं, कोई पुछ पड़ताल नहीं। खैर, राजनीतिक मौत जदों राजनीति दा बनिया होया कद ना रहे, रुतबा ना रहे, उह जगह उह चेयर ना रहे। कारां दा काफला कदी इहदे अगे पिछे चलदा सी, हुण इकल्ला ही चलदा है, कोई पुछण वाला नहीं, दसण वाला नहीं। इहनूं कहिंदे आ राजनीतिक मौत। हुण एक गल नूं ध्यान दे नाल होर समझ लो, हो सकदा है कि तुहाडी समाजिक जिंदगी बरकरार रहे,
हो सकता है तुहाडा जिहड़ा राजनीतिक जीवन भी बरकरार रहे, हो सकता है तुहाडा आर्थिक जीवन भी बरकरार रहे, पर यह कभी नहीं होया कि किसी का शरीरक जीवन लगातार बनया रहे। शरीरक मौत आउंदी है, शरीर बनया है, इनू जाना भी पैना है, टटना भी पैना है, शरीरक मौत आउणी आउणी है। राजनीतिक जीवन रह सकता है, आर्थिक जीवन रह सकता है, समाजिक जीवन रह सकता है, पर जिहड़ा आ जीवन है ना, इन्हें एक दिन जाना ही है। यतन करो जीवन जाण तो पहला पहला हथों खिसक जाए, वो समा आउण तो पहला पहला कुछ ऐसा कर चलो कि अपना आपा सवार सको। बाणी नू पढ़ो, बाणी तो लाभ उठाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।